आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अमेठी में बीजेपी पर परसे हैं राहुल गांधी, बोले को नफरत फैलाते हैं, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में रोहिणी कोर्ट ब्लास्ट का मास्टरमाइंड निकला साइंटिस्ट, पुलिस का दावा वकील से बदला लेने के लिए रखा बम। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नवी मुंबई में 16 छात्र कोरोना संक्रमित, कटर से लौटे थे एक बच्चे के पिता। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी निष्पक्ष होगी। बिना नाम लिए एसपी सांसदों पर तंज, कहा महिलाओं के सम्मान को लेकर तालिबानी सोच भारत में नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। अपने दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन अखिलेश यादव पत्रकारों से रूबरू हुए और यहां अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों, नौजवानों, गरीबों की विरोधी में है। इस सरकार में किसानों का खाद नहीं मिल रही, बिजली की समस्या भी है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो कार्यकर्ताओं पर इनकम टैक्स का छापा पड़ने लगता है। अभी तो इनकम टैक्स का ही दबाव पड़ा है, आगे भी ईडी और अन्य संस्थाएं भी हैं जो दबाव बनाएंगी। इनकम टैक्स में पुलिस छापे डाल रही है और जो सांड और बैल पकड़ने वाली पुलिस है। और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे, कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट, अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। मथुरा में जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ रामलीला मैदान से होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस यात्रा को लेकर मथुरा प्रशासन और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी कड़े इंतजाम किए हैं। मथुरा प्रशासन भी योगी आदित्यनाथ की मथुरा आने पर तैयारियों में जुट गए हैं। ये यात्रा मथुरा जिले से होकर अलीगढ़, पीलीभीत, लखनऊ प्रस्थान करेगी। यात्रा में मथुरा के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। जन विश्वास यात्रा कल मथुरा से प्रारंभ होगी, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा झंडी दिखाई जाएगी और वह यात्रा चलेगी। इस तरह की तीन चार यात्राएं इस प्रदेश से निकल रही हैं और ये जो यात्रा है, इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जो काम किए हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए और जो जो विकास कार्य किए गए, उन सब की चर्चा करती हुई ये यात्रा, चारों यात्राएं लखनऊ जा। केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी ने मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता की, बाद में इस मामले की काफी धूल पकड़ लिया और इस मामले में मिर्जापुर में अखिल भारतीय चित्रांश महासभा ने निंदा की। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा और टेनी को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। इसी के साथ अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के लोगों ने कहा कि गृह राज्य मंत्री पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। चित्रांश महासभा से क्या मामला है? ये भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा
पत्रकारों के साथ, हमारे मीडिया प्रतिनिधियों के साथ, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, सजग प्रहरी कहा जाता है समाज का, ऐसे हमारे मीडिया कर्मियों के साथ अजय मिश्रा टेनी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ गाली गलौज किया गया, उनके साथ हाथापाई की गई। हमारे समाज के हिमांशु श्रीवास्तव जो कि जीव नीच के संवाददाता रहे, उनके साथ हाथापाई की गई। हम इसकी चित्रांश महासभा घोर भत्सना करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन हमने दिया है कि अजय मिश्रा टेनी जी। अब खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान के क्षेत्र में स्टार्टअप को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का लोकार्पण किया गया। मेडटेक का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी कौशल विकास मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा SGPGI में किया गया। आपको बता दें कि यह उद्यमिता केंद्र राज्य के स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन प्रदान करते हुए मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्वास्थ्य सूचना विज्ञान के क्षेत्र में स्टार्टअप को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में नवनिर्मित सुविधा को रणनीतिक रूप से PGI मेडिकल सुविधा में रखा गया है, जो मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टअप्स को फलने फूलने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करेगा। इसी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मेडटेक को लेकर कई जानकारी साझा की है। मैं आपका प्रश्न समझा नहीं, लेकिन मैं एक आपको स्पष्ट से आपको कह दूं कि भारत का जो फ्यूचर है, नया भारत का फ्यूचर है, नया उत्तर प्रदेश का जो फ्यूचर है, ये एक पार्टनरशिप मॉडल में चलेगा और उभरेगा। सरकार और हमारे युवा के ऊर्जा और एनर्जी के साथ एक पार्टनरशिप चल पड़ा है और इसको ज़्यादा तेज़ी मिलेगा, और इसीलिए आज देश दुनिया के सबसे देशों में हम सबसे ज़्यादा आगे हैं टेक्नोलॉजी में। हमारे जो FDI, मेरा नाम निकी कुमार झा है और मैं योरनालिटिक्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का CEO हूं, और ये विक्रम जी हमारे मित्र हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसा यूरिनल बनाया है, एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो किसी भी पब्लिक यूरिनल या टॉयलेट में फिट हो जाएगा। आप जाएं, यूरिनेट करें, आपका यूरिनेशन ख़त्म नहीं होगा कि उसके पहले आपका सारा हेल्थ रिकॉर्ड आपके स्मार्टफोन पर मिल जाएगा। आज हम बात करते हैं किडनी डिजीज़ की। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको कब किडनी डिजीज़ हो गया है, क्योंकि उसका कोई अर्ली सिम्टम नहीं होता है। तो हम लोगों ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसमें कि हम सामूहिक वंदे मातरम गायन और भारत माँ की आरती का आयोजन अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। गोरखपुर में विद्या भारती और महानगर के कई विद्यालय के बच्चों की ओर से महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें 20 स्कूलों के हजारों बच्चों ने भाग लिया और स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ पर तिरंगा यात्रा निकाल कर इस महोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया गया। स्वाधीनता के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी अमृत महोत्सव का आयोजन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में किया गया। इस कार्यक्रम के सैकड़ों स्कूलों के लगभग हजारों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में इस आयोजन को कर रहा है। हमारी स्वतंत्रता शाश्वत है, अमर है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्या भारती और नगर के समस्त विद्यालयों के सहयोग से यह आयोजन हुआ है। नगर के सभी विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने अपने विद्यालय से प्रभात फेरी के रूप में निकलकर और तिरंगा हाथ में लेकर झांकियों के माध्यम से यहां पहुंचे हैं। यहां पर लगभग 50,000 के ऊपर छात्र छात्राओं की उपस्थिति है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह कार्यक्रम जो सम्पन्न हो रहा है, इससे पूरे देश को एक संदेश जाएगा, हमारी युवा पीढ़ी को यह संदेश जाएगा कि किस तरह हम लोगों ने अपने देश की आज़ादी को प्राप्त किया और उसको बचाए रखने के लिए। संभल में राशन डीलर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला थाना असमोली गांव के ओवरी में देखने को मिला है, जहां सरकार की ओर से लगातार गरीब कल्याण योजना के तहत सभी कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से सभी राशन डीलरों को इस बार चना नमक रिफाइन वितरण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक राशन कार्ड पर 5 किलो प्रति यूनिट राशन, 1 किलो चना, 1 किलो रिफाइंड और 1 किलो नमक दे रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कुछ राशन डीलर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। आरोप है कि राशन डीलर यूनुस, जो कि सभी कार्ड धारकों को नमक, रिफाइंड, चना तीनों आइटमों को मिलाकर राशन दिया जा रहा है और 4 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गल्ला बांटा जा रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि राशन डीलर सामान देने में लोगों के साथ मनमानी कर रहे हैं और राशन डीलर की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।
क्या नाम है आपका? अंकित। कहाँ रहते हो? यारपुर। अच्छा, जहाँ पे आप राशन लेना है कौन सा गाँव है? हलोपुर। ठेलोपुर। डीलर कौन है यहाँ पे, पता आपको? ना, नाम भी नहीं पता है। अच्छा, तो आपके पर्ची में कितने नाम है? दो यूनिट है। अच्छा, राशन 10 किलो मिलता है आपको पूरा? 9 किलो मिलता है। कब से दे रहे 9 किलो? हमने यारपुर से भी 9 किलो लिया और यहाँ से भी 2 बार लेकर 9 किलो लिया। 9 किलो दिया। कितने नाम है आपकी पर्ची में? अभी तो 2 यूनिट है। 2 यूनिट है। कितना मिलता है आपको? 10 किलो राशन मिलता है? नहीं, 10 किलो मिल रहा है। 10 मिला। कितना मिला तुम्हें? अब की नहीं पता, देखो पहले 9 किलो मिला। महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 से इस प्रस्ताव की घोषणा करते हुए इसकी जानकारी दी थी। वर्तमान में देश में पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। इसी क्रम में मथुरा की महिलाओं से जब बात की गई तो उन्होंने वर्तमान सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले को सराहनीय कदम बताया और जमकर तारीफ की। में अब केआर किशोरी रमण गर्ल्स सेंटर कॉलेज की जो बच्चियां हैं, ये इनसे बात करते हैं कि इस कानून के बारे में जो उम्र बच्चियों की शादी के लिए जो 21 साल कर दी गई, तो ये बच्चियों का क्या दृष्टिकोण है? तो बेटे आपका नाम क्या है? अंशु, क्लास 9th D सेक्शन। अच्छा बेटा, ये आपको पता है कि इस समय सरकार, वर्तमान सरकार ने जो बच्चियों की उम्र है वो 21 साल कर दी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या किया, अच्छा किया या गलत किया? ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़कियां रह जाती थी अपनी पढ़ाई पर से, वो शारीरिक और मानसिक चीज़ों से आगे बढ़ सकेंगी, वो अपना करियर बना सकेंगी और एक तरह से 18 साल से जिस शादी हो जाती थी उससे बच सकेंगी। और वो अच्छी बात है, 21 साल मतलब लड़कियों का आगे बढ़ने का एक मौका दिया है हमारी सरकार ने। हम सरकार को सरकार की इस कदम को आप अच्छा मानती हैं? यस। कुछ टीचर्स है कहते हैं कि बच्चों को मॉडिफाई करने में टीचरों का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो इनकी राय जानते हैं कि इस समय अध्यापक है हमारे साथ में किशोरी रमण गर्ल्स इंटर कॉलेज की, तो इनसे जानते हैं कि आपका नाम क्या है मैम? कंचन सिंह। कंचन सिंह जी, आप बताइए मैम कि जो सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है कि बच्चियों की जो उम्र है वो शादी के लिए 21 साल कर दी गई, इसमें कितना आप सही मानती हैं? सर, ये तो बहुत सही है, क्योंकि जब 18 साल से 21 साल बच्चे अपने सपने को साकार कर सकते हैं शारीरिक मानसिक रूप से। बच्चियों को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? बच्चियों को ये कि आगे पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा, अपने करियर बनाने के लिए टाइम मिल जाएगा और वो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ भी हो सकते। अब मुझे जो कॉन्सिक्वेंस लगता है कि अगर ये वुमेन एम्पावरमेंट को साथ में लेकर जोड़ा जाए तो वो बहुत अच्छा है, कि जहाँ पर एक तरफ हमारी वुमेन की एज को, वुमेन की जो मैरिज एज है वो 18 वर्ष कर दी गई थी और उसको बढ़ाकर अगर हम 21 ईयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो एजुकेशन है, उसका जो कैरियर है, वो उसको एक समय मिल जाएगा, उसके पेरेंट्स को एक समय मिल जाएगा, उसको सोचने का समय मिल जाएगा और कहीं ना कहीं उसकी फर्टिलिटी है वो रेट भी जो है वो भी बढ़ जाएगा। और जहाँ उसके अपने उसके न्यूट्रिशन की बात आती है, उसके खान पान की बात आती है, उसकी हेल्थ की बात आती है, उसको लेकर भी ये कई चीज़ें हैं कि वो उस टाइम तक अपने आप को मेंटेन कर लेगी या जो मेंटली है, फिजिकली है, वो फिट हो जाएगी उस टाइम तक कि उसके टाइम क्या होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इसमें सभी चीज़ों का जो इंक्लूड है, इंक्लूजन है, वो चाहे वो फर्टिलिटी को लेके हो या न्यूट्रिशन को लेकर हो वुमेन की, ये बहुत अच्छा है कैबिनेट ने, जो यूनियन कैबिनेट ने जो ये क्लियरेंस दी है कि हमारे वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत हद तक आगे लेकर जाएगा। इस समय हम खड़े हुए हैं रामलीला मैदान पर, जहाँ से जन विश्वास यात्रा का सिलसिला में अब। क्या नाम है आपका? अंकित। कहाँ रहते हो? औरैया में समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे रवि त्यागी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब तक कोई भी बैठक नहीं कराई गई है जिससे कि क्षेत्र में विकास कराया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास क्षेत्र के कई समस्याएं हैं, मगर बैठक न होने के कारण वे पूरी नहीं हो पा रही है। बैठक को संबोधित करते हुए रवि त्यागी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पदाधिकारी और कार्यकर्ता अभी से जुट जाए। उन्होंने बताया कि उनकी टीम क्षेत्र में भ्रमण कर सपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से जनता आजिज हो चुकी है। जनता के लिए ही मैं राजनीति में उतरा हूं,
और हमारी सोच सिर्फ यही है, एक तो शिक्षा को आगे बढ़ाने की और दूसरा ये कि किसानों और मजदूरों गरीबों के लिए उनके लिए हमेशा खड़े उतरने की। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के पूछताछ के दौरान राजीव राय की तबीयत बिगड़ गई। वहीं इस बात की सूचना मिलते ही कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं आयकर विभाग के अधिकारियों और पुलिस ने डॉक्टरों की व्यवस्था की। पूछताछ के दौरान राजीव राय की तबीयत बिगड़ी है। खबर मऊ से है जहां राजीव राय के घर पर आज छापेमारी की गई है, जहां पर आयकर विभाग ने राजीव राय से पूछताछ की है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के पूछताछ के दौरान राजीव राय की तबीयत बिगड़ गई थी, जहां वहीं इसी बात की सूचना मिलते ही कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं आयकर विभाग के अधिकारियों की पुलिस ने डॉक्टर की व्यवस्था की। आईटी के छात्र लोग जो लोग हैं, जो योगी और मोदी जी का जो तोता आया हुआ है यहाँ पे, वो जबरदस्ती दबाव बना रहा है। जब कुछ नहीं मिला तो अनावश्यक रूप से मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे राष्ट्रीय सचिव, मेरे नेता जी की तबीयत खराब हो चुकी है, अभी गाड़ी गई है डॉक्टर को लाने के लिए। देखिए लोग कितना प्रताड़ित कर रहे हैं, ये सरकार के इशारे पर योगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेहद करीबी और आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव के घर पर आयकर का छापा पड़ा। मैनपुरी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला बंज बंशी गोहरा का पूरा मामला है ये। यहाँ पर कई गाड़ियों के काफिले को लेकर आयकर के अधिकारी मालिक मनोज यादव के घर पहुंचे, जहाँ मनोज यादव के पूरे घर को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर आयकर की कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में शत विक्षत हालत में युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की शिनाख्त गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के द्वारिकापुर गांव निवासी के रूप में हुई है। इस मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि 5 लोगों ने मिलकर युवक की हत्या की थी। इसके पीछे प्रेम प्रसंग की बात भी सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। इस घटना में शामिल 3 अन्य लोगों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। उस घटना का अनावरण करते हुए आज छिबरामऊ पुलिस ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दोनों को एक से 315 बोर्ड का तमंचा मिला है, 2 कारतूस मिला है और एक व्यक्ति 124 में इसमें है। इसमें 3 व्यक्ति अभी भी वांटेड है, उनकी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। ये 2 अभी गिरफ्तार किए गए हैं, वो माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत आज किए गए हैं, जिसको माननीय न्यायालय ने रिमांड को लेकर जेल भेज दिया है। बाकी सभी योजना की योजना चल रही है, जो और भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसको समाचित करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। सब विवेचना में बात इनिशियली बात आई हुई है, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, जिसको आपके पूरा डाइवर्ज करना विवेचना में ठीक नहीं है, लेकिन इसका कोई ना कोई काम इसी टाइप से है जैसा आप बता रहे हैं। शातिर कितना भी कातिल क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे एक ना एक दिन सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है। 11 दिसंबर को ही डीजे संचालक की हत्या का आज कन्नौज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि हत्या 5 लोगों ने मिलकर की थी। हालांकि 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। हत्या का कारण प्रेम संबंध बताया जा रहा है। अपने सगी सचिन शुक्ला के साथ राम ऋषि पांडे, प्राइम टीवी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी की शाजापुर रैली में जा रही 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। ये हादसा हरदोई के थाना क्षेत्र के हरियाली पेट्रोल पंप के पास हुआ। घटना में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जानकारी मिलते ही लोगों ने सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में पहुंचाया। फिलहाल सभी घायलों को इलाज जारी है। चंदौली में पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां स्वाट सर्विलांस और
बाबुरी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कामयाबी हासिल की है और अवैध विदेशी शराब का जखीरा बरामद किया है। 90 लाख की अवैध शराब के साथ एक बड़ा तस्कर गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से 751 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई है, जहां ट्रक से अवैध शराब की खेप बरामद होने पर पुलिस ने जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया तस्कर हरियाणा के है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा था, जो नहर पुलिया उत्तरैत के पास से एक ट्रक बरामद किया गया है, जिसमें से 751 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मिली है, जो कि हरियाणा से लाकर के बिहार ले जाई जा रही थी। बाजार में इसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपया है। ये पूर्व में भी इनका जो आपराधिक इतिहास निकाला गया है, तो अभी एक ही जगह से प्रकाश में आया है कि ये थाना कोसी कला जनपद मथुरा उत्तर प्रदेश में ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और जो गिरफ्तार किया गया है बोधराज पुत्र राम कुमार निवासी ग्राम बरहडा। सहारनपुर में पुलिस के हाथ सफलता हाथ लगी है, जब पुलिस एक्शन लेते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी को गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए जाने पर उन पर एक्शन लिया गया है। पुलिस अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई है कि पिछले 2 वर्षों में वेस्ट यूपी और उत्तराखंड में 16 घटनाओं में कम से कम 1 लाख लीटर डीजल और पेट्रोल चोरी किया गया। बड़े डीजल टैंकर और ट्रैक्टर लग्जरी कारें डीलिंग पेट्रोल पंप मालिकों को गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में जिला आपूर्ति कार्यालय के एक अन्य कर्मचारी ने पेट्रोल पंप से 30,000 महीना लेना कबूला था। अभी कुछ दिन पहले थाना सरसावां क्षेत्र में एक गैंग पकड़ा गया था, जो IOC की जो भूमिगत पाइपलाइन है उससे डीजल और पेट्रोल पंप की चोरी कर रहा था। उस गैंग ने पूछताछ के दौरान बताया था कि उसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, जहां पे ये जो चोरी के तेल वो बेचता है, ऐसे पेट्रोल पंप पे बेचता है जिनके लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं, और उसमें एक अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई थी। उनके बयानों में बात आया कि उनको कुछ पैसे देकर वो ये काम कर रहे हैं, इस षड्यंत्र में वो शामिल हैं, और इस आधार पे जो एक DSO थे BK शुक्ला जनपद मुजफ्फरनगर में, उनको गिरफ्तार किया गया है। 12 लोग पहले इस गैंग में भेजे गए थे, अभी इनकी गिरफ्तारी हुई है। एक और प्रीतम जो उसमें उस दिन वांछित था उसको भी गिरफ्तार किया गया। अब तक इसमें 14 गिरफ्तारियां हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।